ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 25/7/12 और आज हमारे प्यारे प्यारे अशरीरी बाप दादा ने क्या सिखाया हम बच्चों को, क्या ब्रह्मा मुख से शिव पिता ने कहा। तो शिव पिता ब्रह्मा मुख से कहते हैं, मीठे बच्चे इस शरीर का भान भूलते जाओ, अशरीरी बनने की मेहनत करो जो हमारा असली रूप है, क्योंकि अब घर चलना है। तो जैसे घर से आए थे वैसा ही घर वापस चलना है। प्रश्न है, तुम आस्तिक बच्चे ही कौन सा शब्द बोल सकते हो? आस्तिक माना जो बाप को सिर्फ मानते नहीं परंतु यथार्थ रीति से जानते भी हैं। तो ऐसे आस्तिक बच्चे कौन सा शब्द बोल सकते हो? उत्तर है कि भगवान हमारा बाप है। ये आस्तिक बच्चे ही बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही बाप का परिचय है। नास्तिक तो जानते ही नहीं। नास्तिक का यह मतलब है जो बाप को जानते नहीं, अर्थात बाप का, शिव पिता का, परमात्मा का जिसको परिचय नहीं, बिगर परिचय सिर्फ मानते हैं। आस्तिक बच्चे ही कहेंगे कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। प्रश्न दूसरा भी है आज, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? हम रेस में सब घोड़े दौड़ रहे हैं, तो जो तेज भागना चाहते हैं उसको कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी घोड़ा। तो बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? उत्तर है साक्षी स्थिति। माना दृष्टा बन के हम पूरे इस ड्रामा को देखें, ड्रामा के पार्ट धारियों को देखें और स्वयं के भी पार्ट को इस ड्रामा के अंदर देखें, उसको कहते हैं साक्षी स्थिति। साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखते पुरुषार्थ करते रहो। अब साक्षी देख रहा है कि ये मेरे से कैसे आगे जा रहा है, तो देख करके हमें सीख लेना है कि अब मुझे कैसे आगे जाना है। तो बाबा कहते पुरुषार्थ करते रहो। गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी हमारी दुनिया तेरी गली में। हाँ, जिससे प्यार होता है ना, उसकी गली में जीना मरना सब पसंद आता है। तो हम आध्यात्मिक मार्ग में जो प्रभु को समर्पित हुए हैं बच्चे, वो किसके लिए ये बात कहेंगे? अपने प्यारे पिता प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर एक, देह और देह के संबंधों को भूलकर बेघर बनना है। माना हमारा कोई घर नहीं, किसी के घर में मैं न रहूं, माना किसी के दिल रूपी घर में भी मैं न रहूं और ना मेरे दिल रूपी घर में कोई रहे। यदि मुझे किसी के दिल को घर बनाना है तो वो एक प्रभु का घर, हाँ, प्रभु के दिल तख्त नशीन बनूं। मेरा कुछ भी नहीं, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है, तो इसको कहते हैं देही अभिमानी बनना। अगर देही अभिमानी नहीं बने तो क्या होगा? किसी के नाम रूप में फंस जाएंगे, तो किसी के नाम रूप में भी अटकना नहीं है। नहीं तो ये बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है, इसमें बहुत विशेषता है, ये बड़ा गोरा है, दिखने में सुंदर है, ये बहुत अच्छी है, सुंदर है, तो बुद्धि वहाँ पर आकर्षण में अटक जाती है। सिर्फ अटके तब तो ठीक है, चलो उसको हटा भी दिया जाए, पर उस अटक के साथ बंध भी जाती है और बंधन भी बड़ा कड़ा बांध लेती है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए तीव्र पुरुषार्थ करना है, किसी के भी नाम रूप में अटकना नहीं है। नंबर दो है, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे,
ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। साक्षी हो, दूसरे के पुरुषार्थ को देख तीव्र पुरुषार्थी बनना है। वरदान है, बालक सो मालिक की सीढ़ी चढ़ने और उतरने वाले बेफिक्र और डबल लाइट भव। समय पर मालिक बन जाए, समय पर हम बालक बन जाए, तो बाबा कहते हैं ऐसे डबल लाइट भव। सदा यह स्मृति रहे कि मालिक के साथ हम बालक भी हैं, मालिक वो है और उसके हम बालक भी हैं, और बालक के साथ मालिक भी हैं। अब हम उसके वारिस बच्चे हैं, इसलिए हम उसकी प्रॉपर्टी के मालिक भी हैं। बालक बनने से सदा बेफिक्र, क्योंकि बाप चिंता करेगा, डबल लाइट भी रहेंगे, और मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा भी रहेगा। राय देने के समय मालिक, और जब मेजोरिटी फाइनल करते हैं तो उस समय बालक बन जाना है। ये मालिक और बालक बनने की यह सीढ़ी है। हाँ, बाबा कहते राय देते समय मालिक बने, परंतु यदि हमारी राय को पसंद नहीं किया, हमारी राय के मुताबिक चलना उन्होंने योग्य नहीं समझा, निर्णय नहीं लिया, तो हमको नाराज नहीं होना है, हमें बालक बन जाना है। क्या हम छोटे हैं? अब जो बड़े सोचेंगे वो राइट सोचेंगे, और वही हमको भी करना है। तो ये सीढ़ी कभी चढ़ो कभी उतरो, कभी बालक बन जाओ कभी मालिक बन जाओ, तो किसी भी प्रकार का अंदर में बोझ नहीं रहेगा। स्लोगन है, जो पुरुष माना आत्मा, जो पुरुष समझ इस रथ शरीर द्वारा कार्य कराते हैं, वही सच्चे पुरुषार्थी हैं। ये रथ है शरीर रूपी, इसके अंदर आत्मा पुरुष है, और फिर जो भी हम कार्य करते हैं उस कार्य को क्या कहते हैं? पुरुषार्थी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।